जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नितेश। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पोको के नए स्मार्टफोन के बारे में। पोको जल्दी नया स्मार्टफोन लेके आने वाला है इंडिया के अंदर। उसने सर्टिफिकेट शेयर कर दिए हैं ट्विटर हैंडल पर अपने, एक पोको F1 का है और एक दूसरे स्मार्टफोन का है। मतलब जल्दी इंडिया के अंदर कोई नया स्मार्टफोन पोको की तरफ से आने वाला है। तो उसका नाम बताऊंगा इस वीडियो के अंदर और उसके फीचर्स वगैरह बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उसका नाम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसका नाम होने वाला है पोको M2 Pro। हाँ जी, पोको M2 Pro और नाम होने वाला है। उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा प्रोसेसर है हमें Realme 6 Pro जैसे स्मार्टफोन में भी देखने को मिला था। और जहाँ तक बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा की, तो पीछे की तरफ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी लेंस आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। और जहाँ फ्रंट कैमरे की बात करते हैं इसके, तो फ्रंट में आपको पंचोल के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, डिस्प्ले में आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। फ्रंट में फुल HD का पैनल होने वाला है और इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। और जहां तक बात करें स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो इसका प्राइसिंग होने वाला है 10,000 से लेकर 14,000 के बीच में इस स्मार्टफोन का प्राइसिंग होने वाला है। और इसकी लॉन्च डेट की बात करते हैं, तो ये जल्दी इंडिया के अंदर आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। इसकी यही लीक्स निकल के आई हैं कि ये जल्दी इंडिया में आने वाला है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो हम रोज लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।